वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास 11th के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों आपका लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ड्राइव फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ ड्राइव फ्रॉम कंजर्वेशन लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों इसकी हेल्प से हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को ड्राइव करेंगे। ठीक बच्चों, इसमें क्या है, दो बॉडीज हैं बच्चों आपकी, एक बॉडी है पी और दूसरी बॉडी है बच्चों क्यू। दो बॉडीज है बच्चों पी और क्यू। अब ये दोनों टकराती हैं, कोलाइड करती हैं। जब कोलाइड करती हैं, जो पी है वो क्यू पर जो फोर्स अप्लाइड करती है वो करती है एफ वन टू। तो इसको बॉडी वन माना, इसको बॉडी टू माना, तो फोर्स वन से टू पर। अब जो बॉडी क्यू है, टकराने के बाद जो पी पर फोर्स अप्लाई करती है वो करती है बच्चों एफ टू वन। ठीक, अब इसी को ही अपने वर्डों में लिखना है और चलिए बच्चों करते हैं। सपोज व्हेन टू बॉडीज पी एंड क्यू कोलाइड विद ईच अदर देन ड्यूरिंग कोलिजन they exert forces on each other। अच्छा, जब दो बॉडी P और Q आपस में कोलाइड करती हैं विद ईच अदर एक दूसरे पर, देन ड्यूरिंग कोलिजन और इस कोलिजन के दौरान दे एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं ईच अदर। सपोज सपोज दैट द फोर्सेस, देखिए बच्चों, सपोज दैट द फोर्स एग्जर्ट ऑन बॉडी पी, बॉडी पी एफ टू एंड द फोर्स एग्जर्ट बाय बॉडी क्यू इज एफ टू वन। बॉडी पी के द्वारा एफ टू वन फोर्स एग्जर्ट होता है, क्यू के द्वारा एफ टू वन फोर्स एग्जर्ट होता है। ड्यू टू दिस फोर्सेस द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्यों होते हैं बच्चों, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के कारण ये फोर्स एग्जर्ट होते हैं ऑफ द बॉडी डेल्टा पी वन एंड डेल्टा पी टू। और जब आपका लीनियर मोमेंटम चेंज है वो क्या बच्चा, वो डेल्टा पी वन और डेल्टा पी टू है। समझ में आ गया बच्चों आपका, ठीक। फोर आगे देखें बच्चों हम लोग, फोर
short time interval for short time interval delta t, then तो क्या होगा बच्चों, एफ वन टू जो होगा वो डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा पी वन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा पी वन इज इक्वल टू एफ वन टू इंटू डेल्टा टी, ठीक बच्चों। तो ये हो गई आपकी यहां से इक्वेशन फर्स्ट। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग एफ ऐसे ही डेल्टा पी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टू वन मल्टीप्लाई डेल्टा टी सेकेंड इक्वेशन बाय बॉडी क्यू, ठीक। अब हम कहते हैं बच्चों यहां पर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स exert on the body, then the total linear momentum will be जीरो। भाई जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हुआ हो, ठीक है, बॉडी पर या सिस्टम पर, जो टोटल हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है। इट मीन इन दोनों का सम जीरो होगा, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू इज इक्वल टू जीरो। पी वन की वैल्यू एफ वन टू डेल्टा टी प्लस एफ टू वन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। और डेल्टा टी हमने कॉमन, डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डेल्टा टी ब्रैकेट में एफ वन टू प्लस एफ टू वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। देन वी कैन से दैट एफ वन टू प्लस एफ टू वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चों एक रिलेशन आता है, वो आता है क्या बच्चा, फोर्स क्या है हमारे इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों एफ वन टू इज इक्वल टू होगा माइनस एफ टू वन के, ठीक। यानी थर्ड क्या कहता है बच्चों हमारा, यदि कोई बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है तो फर्स्ट बॉडी भी सेकंड बॉडी पर सेम और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स हो गया वन टू इक्वल टू एफ टू वन, हैंस बच्चों हैंस दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स ओके बच्चों। ये था डेरिवेशन आपका, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन।